हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, राम राम सभी को। तो चलो भाई निकलते दिल्ली के लिए, थोड़ा सा धूप ज़्यादा है। शाम को चलना है टाइगर भाई के जिम में, गुरुजी के पास वर्कआउट करेंगे आज बढ़िया वाला खींच के। और इधर पूरा काम जोरों शोरों से खींच रहे हैं लोग कर रहे अपना मेहनत यार, दो चार पैसे अपनाते रहेगा। आज मैंने बुलट अपनी चमका दिया घर पर, चलो इसमें तेल डलवाते हैं। टंकी तो फुल करवाऊंगा नहीं, गर्मी ज़्यादा है, तो बस 500 या 600 रुपये का तेल बहुत हो जाएगा। चलो आजा निकला जा। और ये भाई पहुंच गया अपा दिल्ली, ले आया हूँ थोड़ा सा जुगाड़ खाने पीने का। आ जाओ, ये कर दिया लाइट ऑन, ये कर दिया वाईफाई ऑन। चलो हाँ सो भाई, खाने किसी को हाँ बड़ी मुझे भाई बहुत मज़ा आता है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन गेनिंग में होता हूँ तो खाता जरूर हूँ, तो मीठा खाने से गेनिंग बढ़िया होती है। हाँ तो भाई हो गया थोड़ा सा आराम। सबसे पहले 20 लीटर का कैंपर ले के आते भर के, बस यहाँ पे एक मुसीबत है छोटी सी, पियेंगे तो भाई लाना पड़ेगा, धरती में पानी है पीने लायक। नहाने के लिए पूरा मिलता फुल, नहाने धोने के लिए, बस पीने के लिए यार बस। चलो लेके आते फिर उसके बाद थोड़ा फूड वगैरह भी लेके आ गया, चलना अभी जिम में भी, बड़े दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया पूरा। मैं मंगलवार को निकला था, नहीं 4-5 दिन हुआ। चलो आ जाओ, पहले पानी लेके आते हैं फिर फ्रूट लेके आएंगे, सारा कुछ डाइट स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे कल से। तो आ जाओ भाई, यही फ्रूट लेके आऊँगा बस, 2 केले, थोड़े से पपीता और 1 सेब, यही स्टार्ट करूँगा। बाकी ज़्यादा महंगा फ्रूट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, महंगा तो पपीता भी है और सेब भी है, केला भी है, आज के टाइम में सस्ता कुछ है ही नहीं। चलो फिनिश किया जा, फिर पहुँचते जिम में। फाइनली भाई पहुंच गया अपा गुरु जी के जिम में, चलो चल के वर्कआउट लगाया जाए। मसल्स तो पहले से ही पंप हुआ पड़ा पूरा, पहले ऐसा पकड़ता था ना तो पूरा पूरा बीच में चला जाता, अभी साइज में आई है इम्प्रूवमेंट। वैसे भी अब कपिंग करवा ली, अब गेनिंग में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज तो नहीं, खैर मंडे को प्लान बनवाते हैं नया गुरु जी से, कह के टारगेट रखेंगे कुछ गेनिंग का, कितना केजी तक किया जाए। चलो आ जाओ। तो आ जाओ भाई, आज तो गुरुजी मिले नहीं, चलो चल के बढ़िया वर्कआउट लगाया जाए, खींच के चेस्ट और शोल्डर लगाऊंगा। फिर मंडे देखते हैं, शनिवार है ना, तो शनिवार को गुरुजी आते थे हमेशा परमानेंट ही, कहीं काम कुम में गए होंगे, और मैं भी वैसे 4 दिन बाद आया हूँ आज। चलो चल के वर्कआउट लगाया जाए, और ये EAA है भाई वर्कआउट के बीच में। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Hey, पहला वर्कआउट अपना बेंच प्रेस लगाएंगे, वेट है भी लेना, रेपुटेशन कम। और इस जिम में आने के बाद अलग ही स्वाद आता वर्कआउट करने का। नेक्स्ट वर्कआउट इंक्लाइन बेंच प्रेस और साथ में इंक्लाइन पे डंबल प्रेस, अल्टरनेट चल रही है कि इसका और एक इसका। और वैसे मैं 4-4 सेट लगाता हूँ, बट आज इनके 3-3 सेट लगाऊंगा। वर्कआउट अपना है बटरफ्लाई, तो यार पंप इतनी हो जा रही है ना, बस क्या ही बताऊँ। अपना दूसरा वर्कआउट है, इस पर एक लगा चुका हूँ और इसके मैं लगाऊंगा 4 सेट। Just straight to the face. I'm gonna get lost. I'm gonna get this place on.
नेक्स्ट वर्कआउट अपना केबल क्रॉस है और ये चेस्ट की लास्ट वर्कआउट है। इसके भी 4 सेट मारेंगे और यहीं पे चेस्ट की वर्कआउट फिनिश। आजो भाई शोल्डर की लगा लेते 2-3 वर्कआउट पहले। साइड रेज 4 सेट। नेक्स्ट वर्कआउट भाई अपना फ्रंट रेज ले रहा हूँ, जिसके बाद एक लगाएंगे और रिवर्स। अच्छा भाई फिनिश किया जाए अपना शोल्डर का भी वर्कआउट रिवर्स के साथ। तो आज दोस्तों चला जा भाई घर, घर नहीं जा रहे थे वहाँ पे, घर से तो अभी आया ही हूँ दिन बाद। चलो भाई पंप देख के बड़ी खुशी हुई, वेट मेरा अभी 80 kg पे पहुँचा है, यानी 79 point कुछ पहुँचा है। खा पी के 80 kg पहुँच जाएगा। तो अब टारगेट कुछ ऐसा रखेंगे, अभी तो देखते हैं, गुरुजी से बात करेंगे डिस्कस, फिर उसके बाद टारगेट फिक्स करेंगे। देखो जो हम टारगेट फिक्स करते हैं ना उतना तो नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी 2-4 kg मतलब अराउंड ऐसे ही चलता। चलो आ जाओ, मैं तो रूम पे चल के खाना ही बनाना है। तो आज दोस्तों आज तो डिनर में ये चलेगा भाई, थोड़ा सा लाया हूँ, बड़े दिन हो गए चिकन बिरयानी खाए, असल में आज बनाने वाली है नहीं यहाँ पर, कल आएगी। चलो इसको फिनिश किया जाए, थोड़ा सा दही लेके आया हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा मसाला है, शायद दिक्कत ना करे इसलिए साथ में दही रखा हूँ। ये गर्म करेगा, हीट करेगा पेट को, और ये ठंडा करेगा। चलो फिनिश किया जाए। और भाई इसी के साथ आज का दिन हुआ कंप्लीट, वर्कआउट करके बड़ा मज़ा आया। वेट मेरा 79 kg है अभी, 79। मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 100+ करूँ, बाकी हम गुरुजी आगे बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि अगला गेम जो भी खेलूँ मैं ऐसा करके जाना है, कुछ तो डिफरेंट होनी चाहिए। चढ़ गया स्टेज पर तो कुछ ना कुछ top 5, top 3 या फिर गोल्ड, इनमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए। बाकी गोल्ड का पूरा टारगेट लेकर चढ़ना अगली बार जब भी स्टेज पे चढ़ूँ। हालांकि अभी तो बहुत टाइम है, अब ऐसा समझ लो कि गेनिंग पे ध्यान देनी बढ़िया होगा, जितनी बढ़िया गेनिंग उतनी बढ़िया होगी कटिंग और उतना बढ़िया निकल के आएगा साइज। बाकी ये सब डिस्कस बाद में करेंगे, फिलहाल तो मैं रेस्ट करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।